स्टैटिक और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखो ही देखो, प्लस मार्केट बिगर टाइम फ्रेम पे क्या करना चाह रहा है वो भी देखना बड़ी बात है। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला था आज कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। मैंने एवरेज परसेंटाइल की कैलकुलेशन की और मैंने वही बताया कि 18,120 130 के आसपास का एसएल बन रहा है। अब 18,120 130 के आसपास का एसएल कैसे निकाला गया, मार्केट उसके नीचे भी आया। मार्केट, ये बात मैंने महेंद्र जी से भी डिस्कस करके रखी थी एक दिन दो दिन पहले कि एवरेज परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। तो अब क्या करना है आपको, होल्ड करना है। अभी मैं, ये जो मैडम ने बोला कि मेरा एसएल कहाँ था, मेरा टारगेट कहाँ था, मेरी एंट्री कहाँ थी, जाहिर सी बात है एसएल में दिक्कत हुई। फ्यूचर का चार्ट आपको नहीं देखना है, असली पंच आपको मिलेगा इंडेक्स के चार्ट पे। ऑप्शन में ट्रेड करते समय आपको इंडेक्स के चार्ट का पंच ही देखना है। इंडेक्स के चार्ट का पंच इसलिए देखना है क्योंकि इंडेक्स जो है आपके फ्यूचर ही के चार्ट की ही प्रतिलिपि है। इंडेक्स चार्ट फ्यूचर के ही चार्ट की प्रतिलिपि है और इंडेक्स चार्ट में आपको रिएक्शंस जल्दी मिलते हैं। तो फ्यूचर पर ही ट्रेड कर लेते ना, इंडेक्स क्यों बनाया गया, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग समझेंगे।